नमस्ते। आज मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण इशू की तरफ डालना चाहता हूँ। ये इशू है राजेंद्र सिंह नेगी, भारतीय सेना के जवान, चमोली उत्तराखंड के निवासी के बारे में। राजेंद्र सिंह नेगी भारतीय सेना में काम करते हुए कश्मीर के गुलमर्ग में अपनी सेवा दे रहे थे। पिछले कुछ समय से वो प्रतिदिन पेट्रोलिंग पे जाते थे और वापस आते थे और अपने बूथ पे पहुंच के अपने घर में अपनी बीवी से बात करते थे। 8 जनवरी को भारी बर्फबारी के बीच राजेंद्र सिंह नेगी अपनी पेट्रोलिंग पे गए जरूर, लेकिन लौट के वापस नहीं आते हैं। जब उनका फ़ोन नहीं आता है तो उनकी परिवार वाले चिंतित होते हैं, उनकी वाइफ चिंतित होती है, उनके बच्चे चिंतित होते हैं। तो पता लगाया जाता है तो उनके जो साथी जो वहाँ पे काम कर रहे हैं सैनिक, उनके द्वारा खबर आती है कि राजेंद्र सिंह नेगी गायब हो गए हैं, वो लापता हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि भारी बर्फबारी के बीच पेट्रोलिंग करते समय राजेंद्र नेगी फिसल कर पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं। 8 जनवरी से लेके आज 18 जनवरी हो चुकी है, 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक भी कुछ अता पता नहीं है। केंद्र सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है, राष्ट्रीय मीडिया में इसके बारे में कोई बात नहीं है। इस चीज़ को लेके उनका परिवार बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब परिवार वाले वहाँ से चल के चमोली से देहरादून आ चुके हैं और देहरादून में सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उस जवान का पता लगाया जाए, उस जवान के लिए अगर पाकिस्तान ऑफिशियल से बात करनी है तो वो की जाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से गुजारिश करता हूँ, जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, देश के डिफेंस मंत्री जी, देश के विदेश मंत्री जी, डिफेंस के सेक्रेटरी, जो हमारे तीनों आर्मियों के जो चीफ हैं वो, और जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं, आप सब लोगों से मेरा गुजारिश है, मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ राजेंद्र सिंह नेगी जी की खोज की तेज़ी लाइए उनको खोजने में। मेरे जैसे बहुत से लोग जो अपने एक सैनिक के लिए फ़ील करते हैं, अपने इंडियन आर्मी पर्सनल के लिए फ़ील करते हैं, वो बहुत चिंतित हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और इस इशू पे अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री साइलेंट हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री साइलेंट हैं, रक्षा मंत्री साइलेंट हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा होता है हम लोगों को। मैंने change.org में एक पिटीशन भी चलाई है जिस पे बहुत से साथियों ने, आपने उस पे सिग्नेचर किया है, आपने अपने दस्तखत किए हैं। ये एक ऑनलाइन अर्जी है जो सरकार से अपील करती है कि कृपया राजेंद्र सिंह नेगी को बचाने के लिए तीव्रता लाई जाए, तेज़ी लाई जाए, प्रयास बढ़ाए जाएं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ change.org/veerkiwapsi, ये हमारी पिटीशन है। इस पिटीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा दस्तखत कीजिए, सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए। आइए मिलकर आवाज़ उठाते हैं अपने साथी के लिए, अपने देश के वीर नौजवान के लिए, अपने देश के जवान के लिए। वीर की वापसी पिटीशन को ज़्यादा से ज़्यादा साइन कीजिए प्लीज़। थैंक यू।